तो हम बात कर रहे हैं कि आपके सामने डेटा है और मुझे इस डेटा में जैसे पूजा है, तो पूजा का डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे लुकअप करेंगे? क्योंकि अगर हमने वी लुकअप लगाया या एच लुकअप एक्स लुकअप लगाया, तो या एक्स मैच इंडेक्स लगाया या ऑफसेट मैच लगाया, दोनों केसेस में हमको पहला ही रिजल्ट आएगा, बट पूजा का नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है सर? हाँ ठीक है, डन। डी लुकअप में भी तो इस पहला ही आ हाँ, गया। इसमें दो चीजें हैं, मैं जितने भी पूजा का रिजल्ट है वो कॉमा करके इस तरह से आ जाएगा, 198 कॉमा इस तरह से आ जाएगा, समझ गए? ठीक है ठीक तो उसके है, लिए तो हम लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन का। टेक्स्ट ज्वाइन मैंने बोला कि कॉमा हमें सेपरेटर, एक एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट के बीच में सेपरेटर कॉमा चाहिए। फिर यहाँ पे ठीक इग्नोर हमने बोला है, कि हाँ इग्नोर कर ब्लैंक को दिया, इग्नोर करना है, इसे ट्रू कर दिया। और यहाँ एक कर दिया मतलब। इफ का कंडीशन लगा, इफ ए पूरा ठीक डेटा है, को सेलेक्ट किया और बोला अगर ए इक्वल टू हो, क्या इक्वल टू होना हाँ चाहिए पूजा, अगर ऐसा हो तो ए रिजल्ट को शो कर दो, अदरवाइज ब्लैंक शो कर दो, एंटर प्रेस किया, बट ये रिजल्ट क्यों नहीं आया यहाँ पे? टेक्स ज्वाइन कॉमा हो गया, यहाँ पे ट्रू इग्नोर एम्पटी या ट्रू कंडीशन इफ बी टू से इज योर टू अगर इक्वल टू एच थ्री, मतलब कि पूजा है तो ए रिजल्ट को फॉलो करें, अदरवाइज बनाए। अच्छा हाँ, इस पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, समझे? क्या हो जाएगा सर? कंट्रोल सिर्फ एंटर प्रेस करना, पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए आपको पहले ये फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाया आपने? हमने बोला कि ब्लैंक होना चाहिए, फॉर्मूला कॉमा लगाया, सेपरेटर होना चाहिए, ब्लैंक को ट्रू होना चाहिए। फिर हमने बोला कि इफ जो नेम का कॉलन है, हमने बोला कि नेम का कॉलन अगर इक्वल टू पूजा है, पूरा कॉलन सेलेक्ट कर लिया पूरा ठीक डेटा, ठीक है? है वो समझ ऐसा गया। हाँ हो तो ठीक जो है, ठीक रिजल्ट शो करना है, अमाउंट शो करना है, उस अमाउंट के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, अदरवाइज ब्लैंक कर दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ब्लैंक आए, क्योंकि हमने आपने देखा कि इफ के अंदर तो एक रिजल्ट आना चाहिए, एक सेल आना चाहिए ना, क्योंकि रिजल्ट इफ कहता हाँ है कि ओनली फॉर वन सेल, ओनली वन सेल। जी हाँ ओनली फॉर वन सेल, ठीक लेकिन हमने ज्यादा दे दिए इसका मतलब एरे हो गया, तो हमें करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एंटर, एरर फॉर्मूला होगा। अब एंटर नॉर्मल एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने देखिए द रिजल्ट आ जाएगा। गया। आ गया रिजल्ट सर, हाँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ रिजल्ट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट हाँ एंटर हाँ फिर वापस कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, समझे? ठीक अब बात होती है कि मान लीजिए कि मुझे यहां पे लिस्ट चाहिए, क्या चाहिए? है। लिस्ट, लिस्ट ऐसे नहीं चाहिए, पूरा डेटा लिस्ट, जैसे फिल्टर लगाते ना उस तरह से, तो फिल्टर लगाते उस तरह से तो फिल्टर का ही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे हम फिल्टर का ठीक है फॉर्मूला लगाएं। फिल्टर के फॉर्मूले में हमने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, अब पूछता है कंडीशन वन, मतलब कि किसको चूज करना है, तो हमने बोला नेम को, नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, और एंटर पूजा। प्रेस कर दीजिए। एज देखिए आपके सामने पूरा रिकॉर्ड आ गया। अगर मैं यहाँ पे बी आई करता हूँ तो बी आई, सॉरी बी आई नहीं, सॉरी तो अलग है ना, देव देव अलग, हाँ ठीक है, देख आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें नेम भी हो, और दूसरा कंडीशन मैं यहाँ लगा दिया कि भाई इसमें सिटी को भी, स्पोर्ट्स को भी दे, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे एंड कंडीशन है ना, तो इसको लगाएंगे, इसको देंगे ब्रैकेट, अच्छा इसमें सेकेंड कंडीशन जस्ट कॉमा करके दे देना है, एक्सेल में प्लस करना होता था। सेकेंड कंडीशन यहां इसको चूज किया, इसको नेम डेटा ठीक को, माउस सही होगा,
और ए इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ कोई दूसरा से दूसरा। अब यहाँ पे मैंने कर दिया कि मुझे चाहिए पी आई नहीं है और देर एक्सेस आ गया सर। बट मैं ये कह समझे? रहा हूं कि अगर हम एक्सेस नहीं भी देते हैं तो देव से भी सारा डेटा आ ही जा रहा है नहीं इसका। नहीं 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 समझ अभी जो गए? हमने देव डाला था तो आ गया था ना सर सारा। सो प्लस करने पे होगा, एक मिनट रुकिए तो। उसके तो अच्छा एरर एक आ बार, रहा मैं है। एक मिनट, प्लस वाला जो एक्सेल का मेथड है वो लगा रहा हूँ, एक्सेल में होता है, ठीक है एक्सेल वाला मेथड लगा रहा हूँ, शायद वो वर्क कर जाए। हाँ इसमें मैं सिर्फ देव भी डालूंगा तो सिर्फ देव का भी आ जाएगा। आ गया सर। लेकिन यहाँ पे एक मैं और ये कह प्रॉब्लम रहा है, हूं एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ पे एक्सेस दिया तो एक्सेस देव के साथ जितने लोगों का भी है दोनों का आ गया। ठीक है वो तो समझ गया मैं। तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, देखिए किसका साइन लगाया, ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा, यस ब्रैकेट में रखिए, और प्लस, प्लस किसका सिंबल होता है, प्लस सिंबल होता है और का, मतलब कि दोनों में से कोई एक कंडीशन। अच्छा और यहाँ अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देता हूं तो मल्टीप्लाई जो होता है वो सिंबल होता है किसका, एंड का, का समझ गए? ठीक फिल्टर के साथ और कुछ और छोटे मोटे फॉर्मूले उसको देख लीजिए, जैसे कि शॉर्ट, मान लीजिए कि मुझे डेटा ही चाहिए लेकिन शॉर्ट वाइज चाहिए, मतलब शॉर्ट का है मुझे बस, मैं चाहता हूँ अमाउंट के हिसाब से शॉर्ट हो जाए, ठीक है ना सर? है तो इसी फिल्टर फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्मूला में लगा, शॉर्ट फॉर्मूला के अंदर, शॉर्ट शॉर्ट दिए ठीक यहाँ पे, शॉर्ट कॉलन कि किस कॉलन का शॉर्ट करना है, तो मुझे अमाउंट के अकॉर्डिंग करना है, तो 1 2 3 4 5, 5 कॉलन, पांच और यहाँ असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है, तो मैंने 0 कर दिया यहाँ पे, जीरो तो ये का मतलब आपका असेंडिंग, डिसेंडिंग हो गया, 0 का मतलब डिसेंडिंग। 1 करेंगे तो असेंडिंग होगा, अच्छा ठीक 1 और 0, ठीक है? तो कोई डेटा आप कहीं से चाहते हैं शॉर्ट में चाहते हैं, मतलब शॉर्ट होके आ जाए, तो हम शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक यूनिक का फॉर्मूला है, जैसे मुझे किसी भी कॉलन का यूनिक नेम चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एंटर हाँ प्रेस किया, तो इसके अंदर जितने भी यूनिक है ना वो सिर्फ आएगा, डुप्लीकेट नहीं आएगा, आएगा, समझ गए? समझे कि नहीं सर? हाँ हाँ समझ। तो ये हमारा लुकअप कैटेगरी में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, यहाँ एक्स लुकअप, वी लुकअप हो गया, ऑफसेट बता दिया, मैच बता दिया, लुकअप बता दिया, उसके अलावा आपका इंडेक्स भी बता ही दिया था, एच लुकअप बता दिया, तो बाकी जो फॉर्मूले छोटे मोटे फॉर्मूलेस का कोई रोल नहीं है सर, कॉलम्स बता ही दिया था मैंने, और फिल्टर फॉर्मूले मैंने फिल्टर बता दिया, शॉर्ट बता दिया, और आपके पास यूनिक बता दिया। अब ठीक है, और बाकी चलो जो बाकी फॉर्मूला है, एड्रेस बताया था सर आपको मैंने नहीं जी, नहीं एड्रेस नहीं बताया। एड्रेस चूज नहीं बताया ना, तो ये चीज हमें इसमें, एक एड्रेस हो गया, चूज हो गया, कॉलम बता ही दिया था, कॉलम्स है, गेट पिवट है, उसके अलावा इनडायरेक्ट है, उसके अलावा आपका यहाँ पे रोज है, रो एंड रोज है, एक्स लुकअप और मैच, हुई मैच तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए जाता है ना अपने हिसाब से, तो बाकी चीजें तो दो फॉर्मूले ये मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगा सर, क्योंकि ये दोनों लुकअप नहीं से नहीं अभी मत रिलेट नहीं बताओ। करता है, फिल्टर फॉर्मूला अच्छा लुकअप से रिलेट करता था तो मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ नहीं बताई, तो कल इसको बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर हम हाँ मैथ हाँ के कैटेगरी ठीक पे चलेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले और स्टैटिकल वगैरह पे हम बात करेंगे, तब तक जो प्रोजेक्ट में ये जो मैं है फिल्टर का फॉर्मूला बताया, तो प्रोजेक्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं मल्टीपल्स लुकअप के लिए, वी लुकअप के जगह पे आप जो है फिल्टर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ताकि मल्टीपल रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसने 2 बार 4 बार 5 बार इंटरव्यू दिया हो, और इसको थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव
ट्रैकर के रूप में बनाइए, ठीक है सर?